हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कोई भी ट्रैक्टर का इंजन का जॉब करवाते हो यानी फुल इंजन ओवरहॉल का जब काम करवाते हो तो कौन कौन सा पार्ट खराब काम के लिए यानी के लेट वर्क के लिए हमें भेजना होता है और उसमें क्या क्या काम होना चाहिए, कौन कौन से पुर्जे हमें खराड वाले के पास में भेजने होते हैं यानी इंजन का कौन कौन सा स्पेयर हमें लेट काम के लिए भेजना होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जब हम कोई भी ट्रैक्टर, आज मेरे पास में जो ट्रैक्टर आया है वो स्वराज 744 है, तो कोई भी इंजन है उसका अगर हमें फुल इंजन यानी कि फुल इंजन ओवरहॉल करना है तो कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए और इसका पूरा काम किस ढंग से होना चाहिए जिससे हमारे इंजन की लाइफ 10 साल 15 साल तक बनी रहे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरा इंजन का किट होता है और किट में से हमें क्या क्या चीज़ हासिल होती है वो भी दिखाऊंगा और इसके बाद हमें कौन कौन सा स्पेयर खराड काम के लिए भेजना होता है और खराड वाले उसमें कौन से पार्ट में क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और खराट का भी पूरा काम में कैसे होता है वो आपको दिखाऊंगा। तो हो सकता है मेरे को अलग अलग पार्ट बनाना पड़े तो आप सभी पार्ट देखना ना भूले। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकेनिक की जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कोई भी मैकेनिक है अगर वो फुल इंजन जॉब करता है तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। हमारा जो मैकेनिक काम है उसमें छोटी सी भी लापरवाही हमारे किसान के लिए महंगी हो जाती है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन उसमें जानकारी पूरी होती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। और हाँ दोस्तों, मेरे को पता है कि हमारे किसान भाई ये खुद अपने हाथों से तो काम पूरा कर नहीं सकते, चंद ऐसे किसान भाई हैं जो काम कर लेते हैं लेकिन सभी को ये काम करना नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये समझ तो सकते हैं ना कि आपके ट्रैक्टर का जब काम करवाते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा क्योंकि इतना जब फुल इंजन का जॉब होता है ना तो काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो ये पैसा खर्च होने के बाद भी अगर उसका ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई इस चीज़ के बारे में जाने कि आपका लेट वर्क किस तरह से होना चाहिए और मैकेनिक की क्या क्या जिम्मेदारी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसका जो मेन पॉइंट जो हमें आधी सफलता मिल जाती है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि काम करने से पहले हमें आधी सफलता किस तरह से मिल जाती है। और ये अनमोल तोहफा मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है कि काम करने से पहले आधी सफलता कैसे मिलती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमें किट में से क्या क्या हासिल होता है, उसके बाद खराड वाले के पास में हमें क्या पार्ट भेजना है और उसमें क्या क्या काम होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपका चहेता आपका पसंदीदा YouTube चैनल अब्दुल कुरत को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि आपका चहेता आपका पसंदीदा YouTube चैनल अब्दुल कुरत आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता है और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस नए काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। तो चलो, मैं आपको दिखाता हूं कि ये पूरा इंजन ओवरहॉल कोई भी ट्रैक्टर है उसका इंजन का पूरा काम करवाते हैं तो किस तरह से होना चाहिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों, हमें जो जो पार्ट खराड वाले के पास में यानी लेट वर्क के लिए हमें जो भेजना होता है ये हमने पूरा लेट वर्क करवा लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका ये लेट वर्क कैसे किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में।
देख सकते हैं सबसे पहले हमें ये ब्लॉक भेजना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका ये जो क्रैंकशाफ्ट का बूस है वो यहाँ पे लगता है, और ये क्रैंक का मेन बिगन वगैरह उसमें फिटिंग करके क्रैंक का कटिंग करके वो उसमें सेट करके हमें देते हैं, तो ब्लॉक को ले जाना होता है। उसके बाद इसका ये टीन हेड देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये वाल का सीट वाल ग्राइड, ये हमें खरड वाले के पास में ये काम करवाना होता है। उसके बाद इसका ये आइडल गियर वो भी हमें भेजना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये टीन कनेक्टिंग, ये भी हमें भेजना होता है। यहाँ पे उसमें कनेक्टिंग का ये बूस लगता है, और उसका ये कनेक्टिंग बैरिंग उसको भी सेट करके देते हैं वहाँ पे। और ये ऑयल पम्प हमने नया डाला, उसका पुराना ऑयल पम्प फेल था, तो ये कैप वगैरह हमें खराट काम वाले के पास में ये पार्ट भी भेजना होता है। और इसके बाद इसका जो पुली होता है ये रहा, अगर ख़राब है, ये थोड़ा कटा हुआ था तो यहाँ से ऑयल का लीकेजिंग था, इसलिए हमें ये पुली का भी काम करवाया, तो ये भी हमें चेक करना होता है बारीकी से। तो देख सकते हैं इसका भी यहाँ पे ये स्टीव लगा के इसको ठीक कर लिया है। और जो बाकी का स्पेयर है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके किट में से क्या क्या हमें हासिल होता है। तो ये सब हमें खराड वाले के पास में भेजना होता है, ये क्रैंक, ये क्रैंकशाफ्ट। और देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा कट लगता है यहाँ पे उसकी ज़रूरत के मुताबिक, तो ये स्टैंडर्ड था तो उसमें 10 नंबर का कट लग गया। देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये मेन बैरिंग जिस पे 10 नंबर का कट लगा है, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, शायद दिख जाए। देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड साइज था, अभी इसमें 10 नंबर का कट लगा है। तो ये सभी पार्ट को हमें लेट वर्क के लिए भेजना है, तो ये हमने पूरा लेट वर्क करवा लिया है देख सकते हैं। तो ये सभी पार्ट को हमें दोबारा से अच्छे से वॉश करना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा पार्ट हम अच्छे से वॉश करने के बाद उसको फिटिंग करेंगे। तो अब जो मैकेनिक की जिम्मेदारी है, तो क्या करना है जैसे मैं करता हूँ, बाकी औरों को पता नहीं वो किस तरह से काम करते हैं, लेकिन आधी सफलता हमें सफाई में मिल जाती है। मैं मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ कि सफाई में हमारी आधी सफलता होती है, तो जितनी अच्छी आपकी सफाई होगी उतना ही बेहतर आपका काम होगा, और कामयाबी बआसानी आपको मिल जाएगी सफाई में अगर ध्यान दोगे। तो पूरे पार्ट को हमें इंजन खोलने के बाद क्या करना है, अच्छे से सभी पार्ट को धो लेना है। धोने के बाद हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करना है, जैसे कि इसका ये पुशरॉड गाइड हो गया, उसका ये नीचे वाला सीट हमें देखना है कि कहीं से कटा तो नहीं है, फिर अंदर की ओर से, यानी उसके सभी पुर्जों को हमें बारीकी से चेक करना है हर एक चीज़ को। और बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे इसका ये ऑयल बॉडी है इसको अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। तो अभी हम इसको, अभी तो साफ़ कर लिया है, अभी फिटिंग से पहले हम इसको क्या करेंगे, ये इसका पूरा यहाँ से खोल के अच्छे से इसको सफाई करना होता है। बहुत से लोग बोलते हैं हमने इंजन में इतना खर्च कर लिया, अभी हमारे इंजन का ऑयल प्रेशर ठीक से नहीं मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ को आपने नज़रअंदाज किया तो ऐसा ही होगा, तो इसको भी साफ़ करना होता है। उसके बाद इसका ये जो टैपिट है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी हमने अच्छे से साफ करके सर्विस कर लिया है। उसमें भी बूस लगा होता है, अगर वो ख़राब है तो ये भी हमें नया बूस लगवाना होता है। तो ये सब कुछ ठीक था देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हमें पूरा खोल के इसके ये जितने भी सुराग है ना उसको अच्छे से साफ करना होता है, यहाँ से ये ऑयल का सप्लाई होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये गलत है, इसको भी अच्छे से साफ करना होता है। जैसे कि हमने ये पूरा का पूरा अच्छे से साफ कर लिया है देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हर एक चीज़ को हमें बारीकी से देखना है कि कौन से पार्ट में ख़राबी है, और जो पार्ट हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है चलेगा एक दो महीने के लिए, तो उसको नया डालना बेहतर होगा। और सफाई, मैं बार बार कहता हूँ कि सफाई बहुत ज़रूरी है, हेड वगैरह की भी अच्छे से सफाई होनी चाहिए, और उसमें जो पैकिंग लगे होते हैं ना देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से बिल्कुल क्लीन करना होता है, तो लीकेज का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा देख सकते हैं। इस तरह से पूरे पैकिंग की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। और अभी ये पार्ट को हमने धोया, अब ये लेट वर्क से आ गया, हम इसको दोबारा से धोएंगे, पूरे पार्ट को अच्छे से वॉश करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम
अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी किट में से क्या क्या हासिल होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा पार्ट अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका ये पूरा क्लच असेंबली। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किट में से हमें क्या क्या हासिल होता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसका जो इंजन ओवरहॉल किट है उसका पूरा स्पेयर बाहर निकाल लिया है और ये सभी पार्ट को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसा मैंने आपको आगे दिखाया, हमने सभी पार्ट अच्छे से वॉश किया है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से पूरा सफाई का काम होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे काम की सबसे पहले आधी सफलता यहाँ पे मिल जाती है जब हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं। तो इस तरह से ये सफाई का काम होना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किट में से क्या क्या हासिल होता है और ये किट की कीमत क्या होती है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्वराज जेन्युइन ओवरहॉल किट, ये स्वराज के पैकिंग में है, पूरा जेन्युइन पार्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उसका ये प्राइस 19,537 ये इसका प्राइस है। और यहाँ पे जितना भी डिटेल लिखा है ना वो सारी की सारी चीज़ें हमें पार्ट इस किट में से हासिल हो गए। तो सबसे पहले जो किट में से हासिल नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन, ये ख़राब था तो ये मंगा लिया, ये किट में नहीं आता है। और ये दो क्लच पेट, क्योंकि ये ड्यूल क्लच है, ये डबल क्लच है ना, तो ये क्लच पेट हमने अलग से लेना होता है, ये भी किट में से हासिल नहीं होता है ना। तो जो किट में से जो चीज़ हमें मिली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है ये पैकिंग सेट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जेन्युइन। उसके बाद उसका ये पिस्टन का रिंग का सेट, ये भी पूरा जेन्युइन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये किट में से हासिल होता है। उसके बाद ये पूरा उसका जितना भी डीजल लाइन वगैरह का जो वॉशर किट है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमें किट में से हासिल होता है। उसके बाद उसका ये पुशर और रबड़ किट, देख सकते हैं ये भी किट में से हासिल होता है। उसके बाद ये इसका पूरा हेड का वाल सील, वाल स्प्रिंग का जो वॉशर है, देख सकते हैं ये वाल लॉक वगैरह, ये भी पूरा किट में से हासिल होता है। उसके बाद ये लाइनर का रबरिंग, ये भी किट में से हासिल होता है। उसके बाद इसका ये पूरा ऑयल सील किट, ये भी हमें किट में से हासिल होता है। उसके बाद इसका ये सिम्स जो छोटा वाला है, ये भी किट में से हासिल होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉल वगैरह, ये हमें अलग से लेना होता है, ये किट में से हासिल नहीं होता है। उसके बाद हमने ये हाइड्रोलिक जो गियर है, कनेक्टर गियर, उसका बैरिंग ख़राब था तो ये हमने नया लिया, ये भी किट में से अलग होता है, ये किट में से हासिल नहीं होता है। उसके बाद ये हॉस पाइप, ये भी हमें अलग से लेना होता है। उसके बाद ये फिल्टर देख सकते हैं, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये भी हमें किट में से हासिल होता है। और उसके बाद ये टिन लाइनर, ये भी हमें किट में से हासिल होते हैं। उसके बाद ये टिन पिस्टन, ये किट में से हासिल होते हैं, ये गजन पिन, ये वाल। उसके बाद खराट काम के लिए हमने जो चीज़ दिया था, जैसा मैंने आपको दिखाया, इसका ये टिनो बूस्ट किट में से हासिल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वाल ग्राइट, वो भी हमें किट में से हासिल होती है। ये जो इसका कनेक्टिंग बिगन और मेन बिगन, वो अलग से लेना होता है क्योंकि वो साइज़ के मुताबिक होता है ना, किसी में स्टैंडर्ड है, किसी में 10, किसी में 20, तो ये किट में हासिल नहीं होता है, ये अलग से लेना होता है। और जैसे मैंने आपको आगे भी दिखाया कि ये ऑयल पम्प हमने नया डाला, उसका पुराना ख़राब था। तो ये सब चीज़ें हमें किट में से हासिल होती है। तो जो हमारा इम्पोर्टेड, जो मेरा मेन मकसद था आपको दिखाना, वो सफाई, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट चांदी की तरह जगमगाना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आधी सफलता तो हमें ये काम में ही मिल जाती है, जैसे हमने सफाई किया हमें आधी सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका हमने पूरा एयर क्लीनर असेंबली वो भी नया लिया है, और उसका डीजल पंप अभी बनवाने के लिए दिया है, वो आया नहीं है। इसका डीजल पंप भी एक नंबर में होगा। तो तकरीबन ये पूरा काम एक नंबर में होगा।
जैसा मैंने आपको दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। मैं कोशिश करूंगा इस इंजन के और भी वीडियो बनाने के, अगर मेरे पास में वक्त रहा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फुल इंजन जॉब के काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारी यूट्यूब चैनल अब्दुल कुलर में जाके आप सर्च करो, आपको हमारे फुल इंजन जॉब के मेसी, स्वराज, महिंद्रा सबके वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम इसका फिटिंग शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। तो अब हम इसका स्टेप बाई स्टेप पूरा फिटिंग शुरू करेंगे।